आपका स्वागत है इस आईएसओ के सेशन में और आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई दी मैनेजमेंट प्रोसेसेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर कंपनी में जो नॉर्मली सारे के सारे मैनेजमेंट प्रोसेसेस वो पूरी तौर से नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे कि एचआर फंक्शन के लिए कोई अलग से नहीं होता, मैनेजमेंट खुद ही देखभाल कर लेते हैं। बहुत सारी जगह डिज़ाइन की एक्टिविटी जो है उसके लिए कोई अलग से नहीं होता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हैं। तो मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला तो ये कि भाई प्लानिंग का आपके यहाँ कोई अलग से सेक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग आती है। और प्लानिंग अगर नहीं है कोई बात नहीं, उसको आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद डिज़ाइन एक्टिविटी अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हैं, या सर्विस आपकी जो हमेशा आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती है, कोई स्टैंडर्ड एक सर्विस है उसको आप डिलीवर करते हैं, उसके हिसाब से सर्विस देते हैं, तो फिर डिज़ाइन डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपने डिज़ाइन आउटसोर्स की हुई है, तब तो डिज़ाइन कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो डिज़ाइन एक्टिविटी उस एंगल से कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी को ये लेनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईएसओ की रिक्वायरमेंट है ये कि सीक्वेंस और इंटरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं समझ में आएगा कि मैनेजमेंट प्रोसेसेस होते क्या हैं, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दूं कि मैनेजमेंट प्रोसेसेस आपके ही हैं। जैसे कि प्लानिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, डिज़ाइन एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, परचेजिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, टेंडरिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, कहीं पे ये क्लब भी कर देते हैं, जैसे मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक ही साथ एक ही जने को कर दिया। तो इसके अलावा प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं कोई, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और फिर प्रोजेक्ट का रिव्यू, ये सारे के सारे आप अलग अलग भी रख सकते हैं और इनको कंबाइन करके एक मैनेजमेंट प्रोसेस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छा, दूसरा हुआ प्रोक्योरमेंट का, परचेज का, जो बाहर से आप आउटसोर्स करेंगे उसके लिए आपको ऑर्डर्स रिलीज करने होंगे, तो कोई ना कोई तो मैनेजमेंट प्रोसेस को हैंडल करेगा, तो ये एक परचेज डिपार्टमेंट नॉर्मली करता है इस चीज़ को। और दूसरा फिर हुआ कि बहुत सारे आपके जो मटेरियल्स वगैरह आप स्टॉकिंग करते हैं या इक्विपमेंट की स्टॉकिंग करते हैं, टूल्स एंड टैकल्स की स्टॉकिंग करते हैं, तो उसके लिए स्टोर्स का फंक्शन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर मेंटेनेंस का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, और आपके सिस्टम को चेक करने के लिए आपका एक इंटरनल ऑडिट का एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट रिव्यू का एक इंटरनल प्रोसेस, मैनेजमेंट रिव्यू का प्रोसेस है। तो ये सारे मैनेजमेंट प्रोसेस को आप इनका यू हैव टू एस्टेब्लिश ए सीक्वेंस कि पहले कौन सा प्रोसेस है, उसके बाद में कौन सा प्रोसेस है, उसके बाद में कौन सा प्रोसेस है। तो एक तो फ्लो में नॉर्मली सबसे पहले तो प्लानिंग ही आएगा, और प्लानिंग के बाद में आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग हो सकता है, और उसके बाद में परचेज हो सकता है, प्रोक्योरमेंट, और उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या जो सर्विसेज देते हैं वो सर्विस हो सकती हैं।
या मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये इस प्रोसेस के बाद में क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है एक मैनेजमेंट प्रोसेस और फिर आपका इंस्पेक्शन एंड वो क्वालिटी कंट्रोल में ही आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपका एक कस्टमर फीडबैक या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका भी होना चाहिए और फिर इसके बाद इंटरनल ऑडिट से एक मैनेजमेंट प्रोसेस ज़रूरी है, मैनेजमेंट रिव्यू ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश कर लीजिए और फिर इंटरेक्शन कि कौन से प्रोसेस का इनपुट जो है किन किन दूसरे प्रोसेस में जाता है और किस पर्टिकुलर प्रोसेस में नहीं जाता। तो मार्केटिंग में जैसे कि कहाँ कहाँ से इनपुट आ रहा है आपके पास, अब मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसमें स्टोर से तो कोई इनपुट नॉर्मली नहीं जाती है या परचेज से इनपुट नहीं जाती है, मगर टेंडरिंग वाले जो होते हैं उनके लिए प्राइसेस का जो स्ट्रक्चर क्या चल रहा है अभी मार्केट के अंदर वो फीडबैक मिलनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से वहाँ तो इंटरेक्शन है इनका कि परचेज का और टेंडरिंग का, देर इज इनपुट फ्रॉम परचेज टू दी टेंडरिंग सेक्शन कि कॉस्ट कैसी चल रही है आजकल प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, उसी हिसाब से टेंडर में कॉस्ट डाल करके वो भरेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे प्रोसेस में इनपुट एक का दूसरे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये है इंटररिलेशनशिप प्रोसेसेस की। तो इसको एस्टेब्लिश करना है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो में आप देख लें तो उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेसेस का इंटरेक्शन को आप एक टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं एंड दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल टू दी सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो मैंने सोचा थोड़ा मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में आपको मैं आइडिया दे दूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और इसमें अगर कोई और चीज़ कहीं डाउट हो, कोई बात हो तो आप इस वीडियो के नीचे में अपना रिमार्क दे दें तो मैं उसी हिसाब से आपका जो शक शुबा है वो एक और वीडियो डाल करके उसको दूर कर दूंगा और ये फीडबैक आपको बराबर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि अगला वीडियो आपके पास बिना देरी के पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। आई विल कीप कमिंग बैक टू यू विद स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स सो दैट वट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव मे बी फर्दर सप्लीमेंटेड बाई वट एवर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू थ्रू दीज वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।